भाई साहब ये ईंट का हाल देख रहे हो जिसके ऊपर वो रखा हुआ था, ये नीचे थी उसके, फिर भी फट गई और साइड में जो ईंटें लगा रखी थी वो तो टूट गई। और बिल्कुल सेफ्टी के साथ में हमने चला दिया क्योंकि हम काफी दूर बैठे थे, बैटरी से इसको कनेक्ट किया था रिमोट के साथ में। यार जल के ही नहीं देती है, कब तक इस पुराने तरीके से हम लोग चलाते रहेंगे बॉम्ब्स को? आज एक नया तरीका ढूंढते हैं, कुछ ढूंढते क्या ढूंढ लिया मैंने और वही सिखाता हूँ मैं, ये पुरानी माचिस इसको कब तक यूज़ करेंगे बॉम्ब को फोड़ने के लिए, आज कुछ नया देखते हैं। नया क्या, बैटरी के साथ में इसको उड़ाते हैं, मतलब दूर से सेफ भी रहेगा और एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे और जल्दी से फोड़ते हैं इसको। तो दोस्तों ये है एक बैटरी जो है 12 वॉट की, जिसे हमने कनेक्ट किया हुआ एक वायर के साथ में वहाँ बॉम्ब के साथ में। अब इसे हम लोग चलाने वाले हैं इस बटन से, मैंने एक बटन दे दिया जिसको हम रिमोट, मतलब बोल सकते हैं हम रिमोट कंट्रोल से हम लोग आज बॉम्ब को उड़ाने वाले हैं। तो इसे कनेक्ट किया मैंने उस बॉम्ब के साथ में, जब हम इसको दबाएंगे तो सर्किट होगा हमारा वहाँ पूरा कंप्लीट और वहाँ जलेगी तिल्ली जो कि मैंने सेट की हुई है एक सर्किट के साथ में, वो जलेगी, उसके साथ में जलेगी बॉम्ब की बाती जो उसमें फ्यूज रहता है बॉम्ब का, वो जलेगा, उसके बाद वो फट जाएगा, ऐसा प्लान है। अभी देखते हैं काम करेगा या नहीं करेगा, तो फेस्ट करते हैं इसको जल्दी से इस बटन को दबाने के बाद में। अभी आप लोग देख लो फ्यूज़ कैसे बनाया मैंने, मैं एक बार वो भी आप लोगों को पास से जाके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ दो वायर्स के साथ में और जैसा मैंने बताया जैसे सर्किट बनाया मैंने, तिल्ली को मैंने लगाया हुआ इसके नीचे और उसके ऊपर रखा हुआ है इसकी बॉम्ब की जो फ्यूज है बाती को। अब इसको हम लोग ब्लास्ट करने वाले, जल्दी से वहाँ से करता हूँ कनेक्ट, बटन दबाता हूँ और देखते हैं काम करेगा या नहीं करेगा। ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 चलिए। इम्पैक्ट देखा आप लोगों ने बॉम्ब चलने का, इतना ज्यादा इम्पैक्ट था बॉम्ब का कि जो जिस ईंट पे वो रखा हुआ था वो ईंट टूट गई, तो साइड में लगी हुई थी ना वो भी टूट गई। और बिल्कुल सेफ्टी के साथ में हमने चला दिया क्योंकि हम काफी दूर बैठे थे, बैटरी से इसको कनेक्ट किया था रिमोट के साथ में। आओ पास से दिखाता हूँ क्या हुआ इसके साथ, देखो भाई साहब ये ईंट का हाल देख रहे हो जिसके ऊपर वो रखा हुआ था, ये नीचे थी उसके, फिर भी फट गई और साइड में जो ईंटें लगा रखी थी वो तो टूट गई। यार देखो ये वायर का हाल क्या हुआ, जो वायर हमने यूज़ किया था फ्यूज के लिए ये भी जल गया है, देखो इसके ऊपर की जो रबर है ना वो भी जल गई है। तो आप देख सकते हो ईंटों का हाल, उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो इम्पैक्ट कितना तगड़ा रहा होगा इस बॉम्ब का। सोचो अगर ये ईंटों का ये हाल कर सकता है बॉम्ब, तो हम जिस लोटे वोटे का क्या चलता है, लोटा भी फोड़ा था हम लोगों ने, वो वीडियो नहीं देखा, उसका भी काटा रहा होगा, उसको भी जाके देखो, तो मजा आता रहता है यार बॉस। हम लोग ऐसे ही ड्रामे करते रहते हैं, इसी तरह के ब्लास्ट करते रहते हैं। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो वीडियो को, चैनल बने करना सब्सक्राइब, मिलता हूँ ऐसे धमाके के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।